नमस्कार दोस्तों, आज एक और फिर एक और नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ। छोटा सा वीडियो है, छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत काम का सब्जेक्ट है। रेलवे में कोई भी कर्मचारी अगर अपना नाम परिवर्तन करना चाहे, रिकॉर्ड में जो नाम इनिशियली उसका रिकॉर्ड में जो नाम है उसको चेंज करना चाहे, तो उसमें प्रोविजन है हमारे रेलवे में चैप्टर 12, IRM एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल चैप्टर 12, जिसके ऊपर मैं एक रिसेंटली एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं अभी इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। कोई भी कर्मचारी नाम कैसे चेंज करा सकता है, क्या क्या प्रोविजन है रेलवे के रूल्स में। मामला ये आता है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी पेंशनर या फैमिली पेंशन, यानी जो रेलवे एम्प्लॉय उसकी जो स्पाउस यानी उसका वाइफ या हस्बैंड जो भी है, वो रिटायरमेंट के बाद एक बार PPO जनरेट हो गया तो उसके बाद नाम किसी वजह से पेंशनर चेंज कराना चाहता है, या उसकी जो स्पाउस है यानी वाइफ या हस्बैंड जो भी है रेलवे एम्प्लॉय की, उसको नाम चेंज कराने के लिए काफी दिक्कत आती है। और अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं था नाम चेंज कराने का, उस पर कई बार नाम चेंज होता था तो काफी दिक्कत आती थी, पेंशन भी बंद हो जाता था या पेंशन नहीं मिलता था, नाम में वाइफ के नाम में वेरिएशन होता था और काफी दिक्कत आती थी। तो रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली एक क्लेप्शन लास्ट ईयर निकाला है, 17 अप्रैल 2023 यानी 17 अप्रैल 2027 को निकाला है, जिसमें सब्जेक्ट में कहा गया है चेंज ऑफ नेम बाय पेंशनर पब्लिक फैमिली पेंशनर, कि पेंशनर या फैमिली पेंशनर के सब्जेक्ट के ऊपर निकाला, बड़ा ही अच्छा सर्कुलर है, उसके हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि अटेंशन इज ड्रॉन टू प्रोविजन कंटेन इन पैरा 1201 ऑफ चैप्टर 12 ऑफ IRM वॉल्यूम 1, वेर इन प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय रेलवे सर्वेंट इन सर्विस इज प्रोवाइडेड। इसमें कहा गया है कि रेलवे ने अपने जो चैप्टर है 12, जिसमें पैरा 1201 में IRM जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर कोई भी रेलवे कर्मचारी का रेलवे सर्वेंट का नाम चेंज करने के बारे में नियम दिए गए हैं, प्रोसीजर बताया गया है, ये कहा गया है। नीचे वाले पैराग्राफ जो काम का है इम्पोर्टेंट है, उसमें कहा गया वन ऑफ द जोनल रेलवे हैज सॉट क्लेरिफिकेशन गाइडलाइंस एप्लीकेबल ऑन चेंज ऑफ नेम बाय पेंशनर पब्लिक फैमिली पेंशनर। एक किसी जोनल रेलवे ने स्पष्टीकरण मांगा रेलवे बोर्ड से कि भाई अपने रेलवे एम्प्लॉय का चेंज इन नेम का प्रोसीजर या जो भी नियम है वो तो चैप्टर 12 में दिए गए हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पार्ट 1 में, लेकिन वो पेंशनर या फैमिली पेंशनर नाम चेंज कराना चाहता है उसके बारे में स्पष्टीकरण दे कि हम उसका किस नियम से नाम चेंज कराए। तो बोर्ड ने कहा है द मैटर हैज बीन एग्जामिन इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर एंड द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द रेल बोर्ड। रेलवे बोर्ड ने इस मामले की जो उस पर विचार किया कंसल्ट किया उसे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर पेंशनर जो DOPD जो मेन डिपार्टमेंट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भी सारे नियम वही बनाता है, उससे चर्चा की। साथ में फाइनेंस डायरेक्टर जो हमारा लेखा जो डायरेक्टर है फाइनेंस डायरेक्टर उससे भी चर्चा की। और फिर कहा गया इट इज स्टेटेड दैट देयर इज नो सेपरेट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन द पेंशन रूल फॉर चेंज इन नेम और सरनेम इन द PPO ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्पाउस आफ्टर रिटायरमेंट, कि हमारा जो पेंशन रूल जो हमारे रिटायरमेंट के बाद जो रेलवे कर्मचारी के ऊपर जो लागू होता है वो होता है पेंशन रूल 1993। तो पेंशन रूल 1993 में PPO इश्यू होने के बाद, PPO का मतलब है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो इश्यू होने के बाद पेंशनर या फैमिली पेंशनर का कोई भी नाम परिवर्तन, नाम या सरनेम वो अगर कोई परिवर्तन या चेंज कराना चाहता है तो उसका कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। तो लास्ट में कहा गया बोर्ड ने कि PPO इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड सर्विस बुक ऑफ द एम्प्लॉय, जो PPO इश्यू होता है जिसमें सर्विस रिकॉर्ड जो भी हमारा रिकॉर्ड मेन रिकॉर्ड होता है सर्विस बुक सर्विस रिकॉर्ड, उसमें एम्प्लॉय का नाम और जो वाइफ का नाम होता है उसी के आधार पर PPO इश्यू होता है। तो अब उन्होंने कहा है कि नेसेसरी एक्शन इन द मैटर में बी टेकन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन कंटेन चैप्टर 12 ऑफ IRM 1। तो अभी कहा है कि ठीक है, चूंकि पेंशन मैनुअल में ना ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं दिया है नाम चेंज करने का, तो अगर कोई पेंशनर या फैमिली पेंशनर रिटायरमेंट के बाद या PPO इश्यू होने के बाद आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय भी इश्यू हो सकता है, PPO विडो के मामले में होगा जहां स्पाउस के मामले में फैमिली पेंशन के मामले में, वहां अगर नाम चेंज कराना चाहते हैं तो IRM के ही प्रोविजन लागू होंगे। ये बोर्ड ने बड़ा अच्छा लेटर निकाला है, अभी तक इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं था। अब कई लोग ये जानना चाहेंगे कि IRM के पैरा में कैसे नाम चेंज कराना है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि रेलवे बोर्ड ने एक लेटर, ये देखिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है चेंज इन नेम का, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है चेंज इन नेम का, चैप्टर 12 बताया हुआ है चेंज इन नेम में 1201 से लेके 1205, जिसमें पहला जो पॉइंट है मेरे ख्याल से 1201 को ही हम लेना पसंद करेंगे। इसमें गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू नाम चेंज करा सकते हो, तो कोई भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर अगर नाम चेंज कराएगा तो मेरा तो यही मैं प्रिफरेंस कहूंगा, अपना सजेशन दूंगा कि 1201 के
को लेकर ही आगे बढ़े और उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, इजीली नाम चेंज हो जाएगा। तो आप गजट नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी प्रोसीजर बताया हुआ है उसके लिए आप वीडियो देख लें मेरा, डिटेल में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा और मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो मैंने बनाया हुआ, तो डिटेल प्रोसीजर से बताया हुआ। तो आप अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो चैप्टर रेलवे बोर्ड ने जो लेटर बताया हुआ है इसमें 1201 चैप्टर जो 12 है उसके तहत आप नाम चेंज करा सकते हैं, यानी गजट नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बताया था, जो भी पेंशनर या फैमिली पेंशन है वो अपना नाम चेंज कराने के लिए देख ले। और साथ में जब एक वीडियो बनाया तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आजकल जो हमारे रेलवे में जैसा कि आपको मालूम है HRMS आ गया, आईपास आ गया, PPO, काफी चीजें सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक पेमेंट भी हम UPI के थ्रू पेमेंट होते हैं, तो आजकल नाम का बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। तो मैं सभी एम्प्लॉय को, जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कहूंगा कि जो वर्किंग में जो अभी जो एम्प्लॉय हैं वो अपना सर्विसशीट देख लें, और अपना उनका नाम जो सर्विसशीट में लिखा हुआ है वही इनका एजुकेशन सर्टिफिकेट में है, वही बैंक अकाउंट में है, आधार कार्ड में, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ऑफिस रिकॉर्ड, सभी जगह एक ही नाम होना चाहिए। एक नाम से मतलब मैं बता दूं आपका, देखिए एक ही नाम कितने तरह से लिखिए, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। किशोर भाई राम सिंह परमार एक एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ भाई है, यहाँ भाई के बीच स्पेस हट गया, सेम नाम है लेकिन स्पेस हट गया, यहाँ स्पेस है यहाँ नहीं है। इसमें अकाउंट्स ऑब्जेक्शन होता है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ता है, एरर आता है, तो आपका पेमेंट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ किशोर भाई की जगह किशोर कुमार कर दिया, यहाँ पर भाई हट गया, यहाँ किशोर भाई आ गया, आर कर दिया, राम सिंह का आर कर दिया है, और फिर यहाँ किशोर भाई आर परमार कर दिया है, यहाँ भाई स्पेस हट गया है, किशोर कुमार राम सिंह पी कर दिया परमार का, यहाँ स्पेस दे दिया है किशोर कुमार में और पी लगा दिया है, यहाँ फिर भाई यहाँ पी हटा ही दिया पूरा। तो ये एक ही नाम को मैंने कोशिश की काफी तरह से लिखने की। तो इसमें अगर आपके अलग अलग रिकॉर्ड में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है तो फिर आपको इन फ्यूचर समस्या आ सकती है। तो आपसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अपना नाम जो भी, अगर ये नाम मान लो पहला नाम है ये, इस तरह सभी में स्पेस देखिए, सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका इसी में अगर होगा तो सेटलमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। और स्पेशली जो वीडियो में बनाया है वो पेंशनर और फैमिली पेंशनर का मैं बनाया, तो मैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं पेंशनर वो प्लीज अपना PPO निकाल रहे हैं, उसमें अपना नाम देख लीजिए, स्पेलिंग में अगर ए ओ ई का भी अंतर है छोटा सा भी, ए की जगह ई आ गया, ई की जगह डबल ई की जगह आई आ गया है, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जो विडो होती है, फैमिली पेंशन होती है, वो भी अपना नाम की स्पेलिंग जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लीजिए, PPO के हिसाब से ही उनका आधार कार्ड पैन कार्ड सब मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, इन फ्यूचर पेमेंट बंद होने की संभावना हो सकती है, टेक्निकल इश्यू आ सकता है, फिर आपको दौड़ धूप करना पड़ेगा, लंबा टाइम हो जाएगा। तो पहले ही सारे रिकॉर्ड जितना भी है उसको ठीक करवा लें, एक नाम करवा लें। और एक नाम क्या होगा, अगर आपको PPO इश्यू हो गया है तो आपका नाम फिर PPO के हिसाब से ही आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको करवाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आप बाकी डॉक्यूमेंट एक कर दें और PPO अलग ही चल रहा हो। PPO में नाम जनरली चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने बताया इस तरह से नाम चेंज होगा आपका जो प्रोसीजर के हिसाब से। तो एक बार PPO में नाम चेंज कराने के बाद फिर आप सारे डॉक्यूमेंट चेंज करा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक PPO में नाम चेंज नहीं होता बाकी डॉक्यूमेंट कोशिश कीजिए कि उसका उसमें जो नाम है वो सारे PPO के हिसाब से नाम आ जाए। उसी प्रकार से मैंने देखा है, मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे मदर का भी एग्जाम्पल है, मेरी सास का भी एग्जाम्पल है, सबके डेट ऑफ बर्थ मैंने देखे, अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ चल रहे हैं, अलग अलग नाम चल रहे हैं, ये मैंने लाइव देखे हुए हैं। तो मेरा 100% ये व्यू है कि जितने पेंशनर फैमिली पेंशन, खास 70 साल, 75 साल, 80 साल, 65 साल के होंगे पेंशनर या फैमिली पेंशन, उनका देखिएगा नाम का इश्यू होगा 100%, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ देखिए, एक ही डेट ऑफ बर्थ में कितने कंफ्यूजन है, यहाँ 26/12/1960 है, 26 दिसंबर है, या 16 दिसंबर 1960 है, या 26 दिसंबर 62 हो गया है, या 26 फरवरी 62 हो गया है, आगे 26 फरवरी 26/12/66 ये मिलते जुलते नंबर है। आप देख लीजिए जितने भी आधार कार्ड पैन कार्ड और PPO में डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। कई बार ध्यान नहीं देते तो पेमेंट हो रहा होता है, लेकिन कभी भी पकड़ में आता है तो आपका पेंशन बंद हो सकता है, रुक सकता है। तो आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ को प्लीज देखिए कि सभी डॉक्यूमेंट जितने भी रेलवे डॉक्यूमेंट है उसमें एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम का मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक भी अक्षर या शब्द शब्द तो बहुत बड़ा होता है, एक भी अल्फाबेट चेंज नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो इसी तरह देखना चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें ना, तो आपको इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।